भाई प्रयागराज में पड़ने लगी एकदम कड़ाके की ठंड, 7 डिग्री तापमान है। और बड़ा दिन से हम ढूंढ रहे थे कि ठंडी में निहारी कहीं मिल जाए प्रयागराज में, चूँकि हम मटन ही खाते हैं तो मटन निहारी ढूंढ रहे थे। कुछ जगह लोगों ने बताया लेकिन वो जगह जो है ना वो कॉस्ट इफेक्टिव नहीं थी, थोड़ी सी महंगी वाली जगह रिकमेंड की लोगों ने। लेकिन हम तो जानते हैं ऐसी जगह ढूंढते हैं जहां आपको कम पैसे में अच्छा खाना मिल जाए। और आज एक ऐसी जगह कवर करने हैं जिसको मैंने पहले कवर किया है लेकिन इनकी निहारी कवर नहीं की है। तो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है मोहित और आप देख रहे हैं EFT। और आज ठंडी की स्पेशल डिमांड पर हम आपके लिए लेके आ गए निहारी, वो भी मटन वाली निहारी। निहारी के साथ और भी चीज़ें जो पिछली बार छूट गई थी वो भी कवर करके आपको दिखाएंगे। आइए बात करते हैं पहले। तो अंकल जी को देख के पहचानी गए, बस चश्मा बदला है। चश्मा पिछली बार आप नहीं लगाए थे? नहीं लगाए थे ना तो चश्मा नहीं लगाए थे, चश्मा लग गया है। उसके अलावा आपकी मछली मैंने कहा था ना पिछली बार छूट गई है, और आज हम स्पेशल आपकी निहारी कवर करने आए हैं। जी बहुत अच्छा। साथ में तंदूरी भी रहता है आपके पास? जी जी। तो तंदूरी कब कब लगाते हैं? तंदूरी हफ्ते में 3 दिन है, गुरुवार शुक्रवार रविवार। रविवार 3 दिन। हमने देख रहे थे बनते हुए नीचे, बहुत ही तगड़ा वाला क्रीम व्रीम डाल के बढ़िया तगड़ा बनाते हैं। बाकी सारी डिटेल तो हमने आपकी दे ही दी है, पुरानी वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा आपकी वाली। आज आपको और भी चीज खिलाएंगे, आपको मटन कोरमा खिलाएंगे जी, और कीमा कलेजी खिलाएंगे। अरे वाह, कीमा कलेजी भी है? मटन वाली की चिकन वाली? सब मटन। सब मटन काम है? मटन और चिकन, बस इतना ही काम है। भाई आज आए हुए हैं कुकरी पैराडाइज पे, इससे पहले भी आ चुके हैं, आपको मैंने सारी डिटेल इसके पहले दी हुई है कि दुकान कैसी है, बैठने की व्यवस्था कैसी है, क्या क्या इनके पास रहता है। तो जितनी चीज़ पहले दिखाई थी वो सब तो है ही, कुछ नई चीज़ें जो इंक्लूड हुई है वो दिखाना है आज। आज मेन पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन रहेगा इनकी निहारी, जो कि मटन पाया निहारी होती है, ये आप देख ही रहे हैं। और साथ में इनका तंदूरी चिकन जो ये वेडनेसडे फ्राइडे और संडे बनाते हैं 3 दिन, वो भी काफ़ी मस्त लग रहा था देखने से, काफ़ी टेम्पटिंग आप देख रहे हैं। साथ में इनका ये है मटन जो कि आप देख रहे हैं, और ये मटन, ये जितनी भी चीज़ें मैं दिखा रहा हूँ वो कोई भी चीज़ें एक्चुअल क्वांटिटी में नहीं है, ठीक है, कोई भी चीज़ एक्चुअल क्वांटिटी में नहीं है। और ये है मटन इनका, आप ग्रेवी देख रहे हो, वाह ग्रेवी देखिए आप, और सब छोड़िए, गजब तगड़ा ग्रेवी। उसके अलावा जो और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मुझे यहाँ पर दिखी ना, वो दिखी इनकी ये कीमा और कलेजी, मटन वाली कीमा कलेजी, फ़िश फ्राई है जो मेरी पिछली बार छूट गई थी, तो हमने कहा भाई इस बार हमें इसको दिखाना ही है तो आप हमें फ़िश फ्राई ज़रूर खिलाइए। तो ये है इनकी फ़िश फ्राई, साथ में इसके साथ इनकी रहती है चटनी। ये है तंदूरी चिकन इनका, और ये रहता है इनका 150 रुपये का हाफ, जिसमें पूरा आधा मुर्गा आता है। नींबू के खिलाफ है, थोड़ा सा हल्का सा हार्ड है पर अंदर तक सेका हुआ है पूरा, ये देखिए अंदर से हल्का सा हार्ड है लेकिन ये देखिए पूरा अंदर तक सेका हुआ है, देख रहे हैं। ये है इनकी दूसरी वाली पीस जो लेग के जस्ट ऊपर रहती है, थाई वाली, और इसमें भी आप देखिए अंदर तक पकने वाला जो सिस्टम है ना वो इसमें भी है, ये देखिए देख रहे हैं। तो आप यहाँ आके तंदूरी चिकन ट्राई कीजिए, टेस्ट बहुत अमेजिंग है। ये सिर्फ और सिर्फ 3 दिन बनता है, वेडनेसडे फ्राइडे और संडे। जो एक चीज़ छूट गई थी इनके यहाँ वो छूट गई थी फ़िश फ्राई, तो हमने कहा भाई वो छूटी हुई है तो उसको, और पिछली बार मैं मूड बना के आया था कि मुझे फ़िश फ्राई कवर करनी है, तो ये है इनकी फ़िश फ्राई। मैरिनेशन मैंने आपको दिखाई दी अंदर, फ्राई ये करते हैं रिफाइंड में पूरी तरीके से, और साथ में ये है इनकी चटनी। सही बात है, चटनी बहुत स्पाइसी है, तो चटनी हम नहीं खाएंगे, बाकी हम मछली बस खाएंगे, बहुत बढ़िया। और मछली को देखिए अंदर तक मसाला, वाह यार देख रहे हैं मसाला पूरा अंदर तक गया हुआ है और अंदर तक फ्राई है। मैरिनेशन देख रहे हैं आप, इस तरीके की मैरिनेटेड फ़िश कहीं ट्राई की है आपने? इस तरीके की, जिसमें इस तरीके का मैरिनेशन हो, ऊपर तक एकदम मोटी सी कोटिंग लगी हो मैरिनेशन, वाह यार बहुत बढ़िया। इसमें खटास बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है, ये देखिए देख रहे हैं बहुत ही बढ़िया चिकन तंदूरी से ज़्यादा मस्त इनकी फ़िश फ्राई है। ये है इनका मटन, मटन कोरमा कह लीजिए, ये एक्चुअल क्वांटिटी नहीं है, इसलिए मैंने सिर्फ एक एक पीस ही ली है, बहुत ज़्यादा लिया नहीं है किसी हर चीज़ की क्वांटिटी, क्योंकि वेस्ट हो इससे बढ़िया है उतना लिया जाए जितना खा सके। ट्राई करते हैं इनकी रोटी के साथ, ठीक है अब इनका हम ट्राई करते हैं मटन कोरमा। हल्का सा कसूरी मेथी का टेस्ट आ रहा है, और तो ये हल्का सा स्पाइसी है क्योंकि स्पाइसी साइड होना ही चाहिए मटन को, ठीक कैसे पका हुआ ये देखते हैं, थोड़ा सा और पकना चाहिए था भाई इसको, थोड़ा सा कम पका हुआ है, अब इसका कारण जो भी हो, मटन कम पका रहता था फिर जो है वो मामला डिस्टर्ब हो जाता है। हल्का सा कम पका हुआ है मटन, ये देखिए और पकना चाहिए था मटन को।
नीड टू बी कुक मोर लिटिल बिट। ये इनकी कीमा कह लीजिए, और थिकनेस देखना ग्रेवी की, कीमा कह लीजिए जो है वो बहुत ज़्यादा ग्रेवी वाली नहीं बनती है, कोई भी चाहे मटन की बने चाहे चिकन की, उसमें बहुत ज़्यादा ग्रेवी नहीं होती है। तो ये कीमा ग्रेवी में फ्राइड करेजी है, और हल्का सा ड्राई रहना इसको ज़रूरी है, क्योंकि चिकन करेजी मैंने आपको दिखा के पप्पू भाई के यहाँ, उनके यहाँ भी थोड़ा सा हल्की सी सूखी ग्रेवी ये होती है, तो फ्राई करते हैं इसको थोड़ा सा ग्रेवी के साथ। और कीमा कलेजी है तो ग्रेवी भी मेरी मटन का टेस्ट होगा, क्योंकि उसमें भी मटन के चंक्स होंगे, कीमा होगा। तो चिकन मिन्स वाली जो ग्रेवी होती है ना, मुझे बहुत पसंद है। ये है ना जानदार चीज, मटन कीमा और कलेजी मस्ट ट्राई, अभी से मैं बोल रहा हूँ। एक बाइट रखते ही मुझे समझ में आ गया कि क्या ही ग्रेवी है इसकी, गजब यार। एपिक, अभी तक जितनी भी चीज़ें ट्राई की सबसे मस्त मुझे इनकी कीमा कलेजी लगी है, एकदम बढ़िया तरीके से गल गई है कलेजी इनकी जले में। मटन मुझे नॉर्मल ही लगा, मटन मतलब मुझे उतना कुछ खास मुझे नहीं लगा, लेकिन इनकी कीमा कलेजी वाह गजब। हमें जो है वो पाया निहारी ट्राई करनी थी, तो ये इनकी पाया निहारी है। मैंने इनसे पूछा भाई निहारी जो है वो मटन के पीस से नहीं बनती, तो उन्होंने कहा नहीं पाए से बनती है मटन निहारी, ये निहारी जो है वो सुबह के टाइम खाई जाती है, निहार होता है ना, तो निहारी, और ये बनती है पाए से, तो ये पाया निहारी है, तो हमने निहारी ले ली है। और निहारी की जो एक कंडीशन इन्होंने बताई थी इससे पहले कि एकदम चिपचिपी होनी चाहिए, आप खाएं तो हाथ आपका चिपकने लगे, ऐसी होनी चाहिए निहारी। तो अब खाते हैं तो पता चलेगा, और खाते हैं एक बार। ये है इनका पाया, ये पाया निहारी है, तो निहारी ठीक ठाक लगी मुझे, या एक्सपेक्टेशन जितनी थी उतनी नहीं मिल पाई, लेकिन कीमा कलेजी की एक्सपेक्टेशन भी नहीं थी, लेकिन कीमा कलेजी वाह गजब। देख रहे हैं मुझे बहुत मस्त लगी भाई, मैं ट्राई करता हूँ कीमा कलेजी, आपको एक बार और दिखा देता हूँ। तो मुझे कीमा कलेजी सबसे बेस्ट लगी यहाँ पे, मस्त ट्राई भाई। जो इनका मटन कोरमा है जिसमें दो पीस रहती है, ये रहती है 180 की हाफ, ठीक ठाक लगा मुझे। इसके बाद जो इनकी मटन निहारी रहती है वो 240 की हाफ रहती है, जिसमें दो फुल बकरे के पाए आते हैं, और ये एक से भी कम है। मैंने सिर्फ टेस्टिंग क्वांटिटी ली हुई है, मेरे हिसाब से आपको यहाँ पे आके ट्राई करना चाहिए यहाँ का कीमा कलेजी, जो कि रहती है 130 की हाफ, सबसे कम रेट इसका है, और सबसे ज़्यादा टेस्टी मुझे यही लगी। और तीन पीस कलेजी के आते हैं 130 रुपये में, थोड़ा सा रेट और डाउन हो सकता था, लेकिन फिर भी टेस्ट अमेजिंग है, तो रेट भूल जाइए, बहुत मस्त है। 150 रुपये का हाफ इनका रहता है तंदूरी में, इनकी फ़िश फ्राई मस्ट ट्राई आइटम है ये, कि ये आके आप 80 रुपये का 250 ग्राम ये ज़रूर ट्राई कीजिए। नहीं ख़त्म करते हैं, उसके बाद मिलते हैं आके। तो भाई आज आया हुए थे जवाहर स्क्वायर के पास कुकरी पैराडाइज, जहाँ एक बार और आ चुके हैं, तो यहाँ पे आके कीमा कलेजी ट्राई करनी है, बाकी निहारी भी पसंद है तो भी ट्राई कर सकते हैं, बाकी पूरा रिव्यू मैंने आपको अंदर दे ही दिया है। तो ये दुकान की पूरी डिटेल वीडियो मैंने इससे पहले एक बनाई हुई है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, उसको भी जाके चेकआउट कीजिएगा। जो बाकी चीज़ें छूटी हुई थी उसको इस बार कवर कर दिया, मैंने दिखा दिया है। बाकी इस तरीके की प्रयागराज की बहुत ढेर सारी वीडियोज़ आ रही हैं, वेज नॉन वेज सब कवर कर रहे हैं। अपनी अच्छी अच्छी रिकमेंडेशन कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं प्रयागराज की दूसरी वीडियो।